कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने के लिए धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं। धमकी ऐसी कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। धमकी में कहा जा रहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की गई तो स्कूल की काफी संख्या में छात्राओं की न्यूड फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये ईमेल भी सामान्य इंटरनेट से नहीं बल्कि डार्क नेट से भेजा जा रहा है। इसके चलते साइबर सेल भी ईमेल भेजने वाले का पता नहीं लगा पा रही है। इसी वजह से स्कूल मैनेजमेंट को धमकी भरे ईमेल की बातों को मानने की मजबूरी बन रही है। अहमदाबाद पुलिस साइबर क्राइम सेल पिछले 8 महीनों से शहर के एक प्राइवेट स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले शख्स को तलाश रही है। इस गुमनाम शख्स ने एक बार फिर स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा है। उसने ऑनलाइन क्लास बंद करने को कहा है। 9 सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक स्कूल मैनेजमेंट को एक ही ईमेल एड्रेस से कई बार धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। मेल भेजने वाले शख्स ने मांगों को पूरा नहीं करने पर स्कूल की छात्राओं की मॉर्फ्ड फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी है। पुलिस आरोपी के बारे में पता लगाने का खूब प्रयास कर रही है, लेकिन इन 8 महीनों में कोई सुराग नहीं मिला है। 9 सितंबर 2020 को गुमनाम यूजर ने ईमेल के जरिए 3 लेटर भेजे थे। ईमेल पर धमकी देते हुए मिड टर्म एग्जाम को रद्द करने की धमकी दी गई थी। स्कूल मैनेजमेंट ने 8वीं से 12वीं तक की मिड टर्म परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 6 दिसंबर और 9 दिसंबर 2020 को स्कूल को फिर धमकी भरे ईमेल मिले। इसमें कक्षा 10, 11 और 12वीं के प्रीलिम एग्जाम को रद्द करने की धमकी दी गई थी। अब मार्च 2021 में स्कूल मैनेजमेंट को फिर से उसी ईमेल आईडी से धमकी भरा मैसेज आया है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल करने की मांग की गई। इस धमकी से स्कूल मैनेजमेंट और छात्रों के अभिभावक भी काफी परेशान हैं। इससे स्कूल की बदनामी हो रही है और छात्रों और अभिभावकों की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है।